Hello friends, now we'll see the further part of this chapter, that is of class 7th history, chapter 5th, part 2. तो यहाँ पर हम देखेंगे अब कि why were temples destroyed? Temples को destroyed क्यों किया गया था, क्यों वो destroy हुए थे? तो because kings जो थे वो build करते थे temples को ताकि वो demonstrate कर सकें उनके devotion को God के प्रति, कि वो कितना God में मानते हैं, कितना believe करते हैं, उनके power और उनकी wealth दिखाना चाहते थे. इसलिए ये surprising नहीं था कि जब भी वो attack करते थे या एक kingdom से दूसरे पर attack होता तो वो ऑफनली मतलब कह सकते हैं टारगेट करते थे इन बिल्डिंग्स को. अर्ली 9th सेंचुरी में जब पांड्या किंग जो थे श्रीमारा श्रीवल्लभा उन्होंने इन्वेड किया था श्रीलंका को और डिफीट किया था उस किंग को. सेना वन 831 टू 855 ईयर जो था 851 ईयर बुद्धिस्ट मॉन्क और क्रॉनिकल जो थे धम्माकीर्ति उन्होंने नोट किया था कि वो रिमूव्ड हुए हैं. उन्होंने रिमूव किया है ऑल द वैल्यूएबल्स को, मतलब स्टैचू जो था बुद्धा का वो एंटायरली गोल्ड से बना हुआ था जेविल पैलेस में, और गोल्डन इमेजेस जो थी वेरियस मॉन्स्टरीज की उन सबको सीज कर लिया गया था. Blow to the pride of Sinhalese rulers, और उन्होंने avenge किया था next Sinhalese rulers जो थे, जो सेना 2 थे, उन्होंने order किया था उनके general को कि वो invade करें मदुराई को जो capital थी पांड्यास की. बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर ने नोट किया था कि एक्सपीडिशन जो है जो बनाया स्पेशल एफर्ट के टू फाइंड एंड रिस्टोर द गोल्ड स्टैच्यू ऑफ द बुद्धा. सिमिलरली अगर हम अर्ली 11th सेंचुरी की बात करें तो जब चोला किंग राजेंद्र वन ने बिल्ड किया था शिवा टेम्पल को उनके कैपिटल में, तो उन्होंने उसे फील किया था बहुत सारे प्राइज स्टैचू जो उन्होंने सीज किए थे या ले लिए थे जब उन्होंने डिफीट किए थे रूलर्स को तब. और वो एक इनकम्प्लीट लिस्ट है जिसके अंदर उन्होंने बताई है चीज़ें कि उन्होंने क्या क्या चीज़ों को सीज किया था, कौन से स्टैचूज को. तो एक सन पेडेस्टल था जो चालुक्यास से उन्होंने लिया था, गणेशा स्टैचू था और सेवरल स्टैचूज ऑफ दुर्गा थे, नंदी स्टैचू था फ्रॉम ईस्टर्न चालुक्यास, एंड इमेज ऑफ भैरवा जो फॉर्म ऑफ शिवा होता है वो, एंड भैरवी फ्रॉम द कालिंगास ऑफ ओडिशा, एंड काली स्टैचू था फ्रॉम पालास ऑफ बंगाल. सुल्तान मोहम्मद जो गजनी के थे वो एक कंटेम्प्रेरी थे राजेंद्र वन के, मतलब उनके साथ में कॉम्पिटिटर जिसे कह सकते हैं, वो भी उसी समय में राज करने वाले इस तरह के वो राजा थे. और उनके कैंपेन्स के थ्रू उनके सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने अटैक किए थे टेम्पल्स को ऑफ डिफिटेड किंग्स, जो डिफिटेड किंग्स हैं उनके टेम्पल्स को, एंड वहाँ से उन्होंने लूट किए थे वेल्थ और आइडियल्स को या मूर्तियों को. सुल्तान मोहम्मद जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर नहीं थे उस समय के, बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स, क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रॉय किए थे बहुत सारे टेम्पल को, स्पेशली उन्होंने सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था और उन्होंने ट्राई किया था कि वो क्रेडिट जो है उसे विन कर लें कि वो हीरो बन चुके हैं इस्लाम के. पॉलिटिकल कल्चर में जो मिडल एजेस में था बहुत सारे रूलर्स जो थे उन्होंने डिस्प्ले किए उनके पॉलिटिकल चीज़ों को, माइट एंड मिलिट्री सक्सेस को बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेस. उन्होंने अटैक किया और लूट की प्लेसेस पे वर्शिप के डिफीट रूलर्स के, या जो रूलर्स हार गए हैं उनके जगहों पर. गार्डन टोम्स और फोर्ट्स की बात करें तो अंडर मुगल्स आर्किटेक्चर जो था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता था. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और स्पेशली बात करें शाहजहां की तो ये पर्सनली इंटरेस्टेड रहते थे लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर में. उनकी ऑटोबायोग्राफी में बाबर ने डिस्क्राइब किया है उनके इंटरेस्ट को इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स, और ऐसी प्लेस बनाना है जिसमें विद इन रेक्टेंगुलर वॉल जो है एनक्लोज रहे वो और डिवाइड हो जाए फोर क्वार्टर्स में बाय आर्टिफिशियल चैनल्स. आप देख सकते हैं, दिखा रहे हैं चार चैनल्स के थ्रू डिवाइड किया है एक गार्डन को चार पार्ट में क्वार्टर्स में. और ये गार्डन्स जो है इन्हें चार बाग कहा जाता था, मतलब फोर गार्डन्स, बिकॉज इनका सिमेट्रिकल डिवीजन जो था क्वार्टर्स में हुआ था. और बिगनिंग विद अकबर अगर देखें तो कुछ मोस्ट ब्यूटीफुल चार बाग जो थे वो कंस्ट्रक्ट किए गए थे जहांगीर और शाहजहां के थ्रू कश्मीर, आगरा और दिल्ली में. सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर इनोवेशंस जो थे ड्यूरिंग अकबर के रिगेन में ये सारी चीज़ें थी या हुए थे. और इंस्पायरेशन के लिए अकबर का आर्किटेक्ट जो था उन्होंने टर्म किए थे वो टोम को उनके सेंट्रल एशियन एंसेस्टर के बेस पे तिमूर के नाम पे. सेंट्रल टॉवरिंग डोम जो था और एक टॉल गेटवे बनाया था जिसे पिश्ताक कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ करता था मुगल आर्किटेक्चर का. फर्स्ट विजिबल इन हुमायूं टोम, और ये पहली बार देखा गया था हुमायूं के टोम में, और ये प्लेस किया गया था इन द सेंटर ऑफ ह्यूज फॉर्मल
चहार बाग, और ये प्लेस किया था एकदम मिडिल में, मतलब हम कह सकते हैं बीच में बनाया गया था। आगे बढ़ने से पहले हम फिगर 10 के बारे में देखें। ये जो पेंटिंग है वो बाबुर की है जो लेइंग आउट कर रहे हैं चहार बाग को काबुल में। और यहाँ पे आप नोट कीजिए कि किस तरह से इंटरेस्टिंग चैनल जो है या पाथ जो है वो क्रिएट किया गया है चार बाग की डिजाइन के लिए। देख सकते हैं 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। यहाँ हमें हुमायूं का टोम दिया गया है जो कंस्ट्रक्ट किया था 1562 से 1571 के बीच में। और वाटर चैनल्स आप देख सकते हैं, सबसे सामने वाली जो नीचे फ्लोर आपको दिख रही है, फ्लोर मतलब जो जमीन का एरिया है गार्डन के बीच में, उसमें आपको 4 चैनल्स इस तरह से दिख रहे हैं जो बनाए गए थे। और बिल्ड किया था उन्होंने ट्रेडिशन को, जिसे 8 पैराडाइज कहा जाता है या हष्ट बिष्ट कहा जाता। एक सेंट्रल हॉल रहता था जो सराउंड किया जाता था 8 रूम से। बिल्डिंग जो थी उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता था रेड सैंडस्टोन्स के साथ में, जिसकी एज जो थी वो व्हाइट मार्बल से बनाई जाती थी। और ये शाहजहां के समय की बात है जब डिफरेंट एलिमेंट्स जो थे मुगल आर्किटेक्चर के वो एक साथ फ्यूज किए जाते थे ताकि एक ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस बन सके। उनके जो रिगेन था उन्होंने विटनेस किया था एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, स्पेशली आगरा और दिल्ली में। सेरेमोनियल हॉल की बात करें या जहाँ प्रोग्राम्स या कार्यक्रम्स होते थे, वहाँ की बात करें पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस की, मतलब दीवाने खास और दीवाने आम, वो केयरफुली प्लान की जाती थी। और ये कोर्ट जो थे उन्हें डिस्क्राइब किया जाता था चिहिल सतन और 40 पिलर्ड हॉल, मतलब उनके वो हॉल इतना बड़ा होता है कि उसमें 40 पिलर्स जो हैं वो लगे होते, प्लेस विद इन अ लार्ज कोर्ट यार्ड। एक कोर्ट यार्ड बना होता था बड़ा सा, मतलब ग्राउंड जैसे कह सकते हैं, उसके पास में वो बनाया जाता 40 पिलर्स हॉल। शाहजहां की ऑडियंस का जो हॉल था वो स्पेशली कंस्ट्रक्ट किया गया था ताकि रिसेम्बल कर सके उसे एज अ मॉस्क। और पेडेस्टल जो थे ऑन विच द थ्रोन वॉज प्लेस्ड, जहां पर मतलब वो जगह जहां पर उनका सिंहासन रखा गया था, वो फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब किया जाता था एज किबला। और ये डायरेक्शन जो थी इस किबला की वो फेस की जाती थी बाय मुस्लिम एट प्रेयर, मतलब उस डायरेक्शन में था जहाँ पर मुस्लिम जिस दिशा में बैठ के प्रेयर करते हैं वो, ताकि एवरीबडी फेस कर सके डायरेक्शन को जहाँ पर कोर्ट जो है, कोर्ट का सेशन जो है वो चल रहा है उसे। और आइडिया किंग का इस चीज़ को करने का ये था कि लोग उन्हें एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड माने अर्थ पे, जो सजेस्ट करेगा गॉड की तरह चीजों को। और ये आर्किटेक्चरल फीचर जो है ये इस चीज को बताता था। कनेक्शन जो था बिटवीन रॉयल जस्टिस और इंपीरियल कोर्ट के बीच में वो एम्फेसाइज किया गया था शाहजहां के थ्रू उनके न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट में जो रेड फोर्ट दिल्ली में था। बिहाइंड द एम्परर थ्रोन एक सीरीज थी पैत्र दूरा की जो इनले करती थी डिपेक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फिन, जो प्ले कर रहे हैं ल्यूट को, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल उसे प्ले कर रहे हैं। इस तरह की पैत्र दूरा जो है वो एम्परर के थ्रोन के पीछे जो है वो देखी जाती थी, लगाई जाती थी। और ये बिलीव किया जाता था कि ऑर्फिनियस म्यूजिक जो है वो काम करता है फोरिशियस बीट्स को काम करता है। फोरिशियस मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा हंगामे वाली या वॉयलेंस वाली जो बीस्ट है उनको काम करने का काम वो ऑर्फिनियस म्यूजिक जो है वो करता था, जब तक वो रिसाइड नहीं हो जाए टुगेदर पीसफुली, जब तक सब कुछ चीजें पीसफुली सेट ना हो जाए तब तक। कंस्ट्रक्शन जो था शाहजहां के ऑडियंस के हॉल का, उनका एम ये था कि वो कम्युनिकेट कर सके किंग्स के जस्टिस को एंड ट्रीट कर सके हाई और लो एज इक्वल, मतलब हाई और लो सभी को इक्वली मान सके क्योंकि सभी के सभी साथ में रह सके हारमोनी के साथ। इसलिए इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रिगेन शाहजहां की कैपिटल जो थी वो आगरा थी, और सिटी है आगरा वो जहाँ पर नोबिलिटी जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई थी उनके होम्स में ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। और ये सेट किए गए थे इन द मिडस्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन्स जो कंस्ट्रक्ट किए गए थे चहार बाग फॉर्मेट में। चहार बाग गार्डन जो है उनके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस थे जो हिस्टोरियंस ने डिस्क्राइब किए थे एज अ रिवर फ्रंट गार्डन। और इन जगहों पर ड्वेलिंग जो होता मतलब रहने की जगह या घर जो होते थे वो लोकेट नहीं किए जाते थे चहार बाग के मिडल में, बट वो एजेस पे बनाए जाते थे या कह सकते हैं बैंक्स ऑफ रिवर्स पे रहने की जगह या ड्वेलिंग बनाए जाते थे। शाहजहां ने अडॉप्ट किया था रिवर फ्रंट गार्डन को उनके लेआउट में जो उन्होंने ताजमहल बनाया था उसके। ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चुरल अकम्पलिशमेंट जो था उनके रीजन का ये वो ताजमहल का कंस्ट्रक्शन था। यहाँ पर वाइट मार्बल जो है उसका मॉसलम बनाया गया था, मतलब टोम जिसे कह सकते हैं वो बनाया गया था, जिसे प्लेस किया गया था टेरेस के ऊपर, मतलब सबसे टॉप पे आप देख सकते हैं बाय द एज ऑफ द रिवर।
और एज ऑफ द रिवर पे एकदम बिल्कुल नदी के किनारे पे आप देख सकते हैं, एंड गार्डन जो था वो साउथ पर बनाया गया था। देख सकते हैं आप, ये जो मैप यहाँ पर दिया है प्रॉपरली मेरे इसमें आ नहीं पाया फ्रेंड्स, इसे आपको अपनी बुक में देखना पड़ेगा। एंड देन शाहजहां ने डेवलप किए थे उनके आर्किटेक्चर फॉर्म को एज अ मीन्स ऑफ कंट्रोल ओवर द एक्सेस ऑफ कंट्रोल द एक्सेस जो नोबल्स जो हैं हैड टू द रिवर। और न्यू सिटी जो थी शाहजहांबाद में जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट की थी दिल्ली में, एम्पीरियल पैलेस जो है उन्होंने कमांडेड किए थे रिवर फ्रंट में। ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स जो थे लाइक एल्डेस्ट सन दारा सुखो जो थे, उन्हें गिवन दिया था एक्सेस करने के लिए उस रिवर को। बाकी सब जो थे उन्हें कंस्ट्रक्ट करना पड़ा उनके घर्स को सिटी के दूर या सिटी से काफी दूर, मतलब रिवर यमुना पे। रीजन और एम्पायर की बात करें तो एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जैसे इंक्रीज हुई बिटवीन 8th टू 18th सेंचुरी, एक कंसिडरेबल शेयरिंग ऑफ आइडियाज जो है वो रीजन्स के बीच में होने लगा। ट्रेडिशन जो थे वन रीजन के वो अडॉप्ट होने लगे दूसरे रीजन्स के थ्रू। और विद्या नगरा की बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो एलिफेंट स्टेबल ऑफ द रूलर्स जो थे वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हुए बाय द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो अलग अलग आर्किटेक्चर की स्टाइल्स थी उससे, फाउंड ऑफ एडजॉइनिंग सुल्तनत्स ऑफ बीजापुर और गोलकंडा। वृंदावन जो नियर मथुरा है, मथुरा टेम्पल है, वो कंस्ट्रक्ट किया गया था आर्किटेक्चर स्टाइल से जो बहुत ही सिमिलर था बिल्कुल मुगल पैलेस की तरह जो फतेहपुर सिकरी में है। क्रिएशन जो हुआ लार्ज एम्पायर का, जिसके कारण डिफरेंट रीजन्स जो थे उनके रूल में आए थे, अंडर उनके रूल में जो थे उन्होंने हेल्प किया क्रॉस फर्टिलाइजेशन को, आर्किटेक्ट्स आर्टिस्ट के फॉर्म्स को और आर्किटेक्चुरल डिजाइन्स को। मतलब कह सकते हैं कि एक डिजाइन जो है वो दूसरे रीजन में उसी तरह की डिजाइन बनाने लगे या क्रॉस फर्टिलाइजेशन होने लगा। मुगल रूलर्स जो थे वो पर्टिकुलरली स्किल्ड थे अडाप्ट करने के लिए रीजनल आर्किटेक्चर स्टाइल्स को उनके कंस्ट्रक्शन में, उनकी ओन बिल्डिंग्स में। बंगाल में फॉर एग्जाम्पल लोकल रूलर्स जो थे उन्होंने डेवलप किया था एक रूफ जो डिज़ाइन किया गया था कि वो रिसेम्बल कर सकें एक थेज हट की तरह। मुगल्स जैसे कि बांग्ला डोम की बात करें, फिगर में हम देखेंगे 9 चैप्टर 9 में, तो बिल्कुल उसी की तरह था जो यूज़ किया जाता है इंदर आर्किटेक्चर। इम्पैक्ट जो था अदर रीजन्स का वो भी एक एविडेंट है। अकबर के कैपिटल में मतलब फतेहपुर सिकरी में बहुत सारी बिल्डिंग्स जो थी वो बियर करती थी इम्पैक्ट को, जो आर्किटेक्चर स्टाइल्स थी गुजरात और मालवा की। वो इवन दो अथॉरिटी जो थी मुगल रूलर्स की वो वैन की गई थी 19th सेंचुरी, एंड आर्किटेक्चर स्टाइल्स जो डेवलप की गई थी अंडर देयर पैट्रोनेज वो कॉन्स्टेंटली यूज की गई, अडॉप्ट की गई दूसरे रूलर्स के थ्रू जब भी उन्होंने ट्राई किया एस्टैब्लिश करने के लिए उनके ओन किंगडम्स को। मतलब कोई भी नए रूलर ने अगर कुछ अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया है तो उसमें उन्होंने आर्किटेक्चर स्टाइल्स जो थी वो कॉन्स्टेंटली यूज की, अडॉप्ट की थी अपने किंगडम्स के लिए। चर्चेज दैट टच द स्काईज, अब चर्चेज की बात यहाँ हमें एक और बताई है, तो 12th सेंचुरी के आगे देखें तो अटेम्प्ट जो थे वो शुरू किए गए थे फ्रांस में कि जो चर्चेस हैं वो कितनी ज़्यादा टॉलर या लाइटर बन सकती हैं अर्लियर बिल्डिंग के कंपैरिजन में। और ये आर्किटेक्चुरल डिजाइन जो थी इसे गॉथिक कहा जाता था, जो डिस्टिंग्विश करती थी हाई पॉइंटेड आर्चेस को और यूज ऑफ स्टेन ग्लास को, ऑफन पेंटेड जो किए गए थे सीन्स ड्रॉन्स फ्रॉम द बाइबल से, और फ्लाइंग बटरेसेस जो है वो उस पर बनाई जाती थी। टॉल स्पायर्स और बेल टॉवर्स जो थे वो विजिबल होने चाहिए, इतने ऊंचे बनाए जाते थे ताकि दूर से भी देखा जाए तो हमें पता चल जाए कि ये चर्च है यहाँ पर। वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल जो है आर्किटेक्चर स्टाइल का वो है चर्च ऑफ नोत्रेडैम जो है पेरिस में, और जो कंस्ट्रक्ट की गई थी सेवरल डिकेट्स के थ्रू, मतलब बहुत साल पहले से सेवरल डिकेट्स से इन 12th सेंचुरी एंड 13th सेंचुरी। इलस्ट्रेशन को आपको देखना है और ट्राई करना है, आइडेंटिफाई करना है बेल टावर को। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस चैप्टर को हमने यहाँ कंप्लीट किया है। अगले चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।